साल 2020 में मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक आधा साल भी खत्म नहीं हुआ और दुनिया ने जंगलों में लगी आग, वोल्केनिक इरप्शन, कोरोना वायरस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला। पर क्या दुनिया के लिए आगे कोई खतरा है? वेल, हाँ, ऐसे खतरे हैं जिनके सामने अभी के सारे डिजास्टर्स कुछ भी नहीं। हो सकता है कि साल 2020 में ही हमें ऐसा ही कोई नेचुरल डिजास्टर देखने को मिले, चाहे बात हो सुनामी की, अर्थक्वेक की, तूफान की या वोल्केनिक इरप्शन की। हेलो ब्रोज, मैं हूं आशीष और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 5 प्राकृतिक आपदाओं को जो कभी भी हो सकता है। सारे के सारे इवेंट्स आपको जानने ही चाहिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, ये है सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन को अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो जब किसी एरिया पर पृथ्वी में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से उस एरिया की जमीन ब्रेक कर जाती है यानी टूट जाती है, तो उसी रीजन को बोला जाता है फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा संभावना होती है बाकी के एरियाज के कंपैरिजन में। मैंने अमेरिका में मौजूद जिस फॉल्ट लाइन की बात की थी, सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन, वो इतना लंबा है कि उसकी लंबाई अमेरिका के ही एक राज्य कैलिफोर्निया जितनी है। इस फॉल्ट लाइन पर कभी भी भयंकर अर्थक्वेक आ सकता है। सैन एंड्रियास के फॉल्ट लाइन से कुछ दूर पर एक 620 मील यानी करीब 1000 किलोमीटर जितना लंबा एक और फॉल्ट लाइन है, जिसे वहां के लोग कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहते हैं। ये फॉल्ट लाइन इतना ज्यादा लंबा है कि इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में और खत्म होती है कनाडा में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट वैसे तो काफी धीरे होती है, लेकिन ऐसे एरियाज में कभी भी भयंकर भूकंप आ सकता है। जियोलॉजिस्ट यानी वैसे लोग जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी माने तो कैस्केडिया सबडक्शन जोन में भूकंप बहुत ही जल्द आने वाला है और जो भयंकर भूकंप आएगा वो कम से कम 8.7 मैग्नीट्यूड का होगा, नहीं तो वो 9.2 मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में आज तक के इतिहास का सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा होगा ये। नंबर 4, आपने मूवीज में ज्वालामुखी के फटने के सीन्स को तो देखा ही होगा, कितना डिवास्टेटिंग नजारा होता है। पर जल्द ही हेलेना स्लम, जो कि हवाई का एक आइलैंड है, वो ऐसा कुछ असल जिंदगी में देखने वाला है। इस टापू पर कमरे वेजा नाम का एक ज्वालामुखी मौजूद है जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। अगर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो 12,000 क्यूबिक किलोमीटर जितना रॉक्स यानी चट्टान पत्थर प्रशांत महासागर में समा जाएगा। 12,000 क्यूबिक किलोमीटर। और जब इतना ज्यादा चट्टानी पत्थर प्रशांत महासागर में समाएगा, तब जन्म होगा एक विनाशकारी सुनामी का, जो कि नॉर्थ अमेरिका तक विस्फोट के बाद कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। इस बात के सबूत पाए गए हैं कि आज से करीब 1,20,000 साल पहले इसी टापू के पास मौजूद मौना लोआ ज्वालामुखी में ऐसा ही विस्फोट हुआ था, और 1,20,000 साल पहले हुए उस विस्फोट के कारण ऐसा सुनामी आया था जो 400 मीटर जितना ऊंचा था, बिल्कुल जैसा हम मूवीज में देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार द हेलेना स्लंप कभी भी किसी भी पल फट सकता है, जिससे हमें 1,20,000 साल पहले वाले विनाशकारी दृश्य देखने को मिल सकते हैं, या फिर उससे भी भयंकर। अगर ऐसा हुआ तो कैटास्ट्रोफिक चेन बन जाएगी ऐसे भयंकर इवेंट्स की। नंबर 3, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, जिसकी शुरुआत नॉर्वे से होती है, वो बेहद ही शांत एरिया है, लेकिन जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एरिया भविष्य में भयंकर सबमरीन लैंडस्लाइड होने का इंतजार कर रही है। सबमरीन लैंडस्लाइड और कुछ नहीं बल्कि पानी या समुद्र के अंदर जमीन के खिसकने को ही सबमरीन लैंडस्लाइड बोलते हैं। जब बर्फ पिघलता है तो उससे समुद्र में वाटर लेवल ऊपर की ओर जाता है, जिससे समुद्र के अंदर के मौजूद जमीन पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे सबमरीन लैंडस्लाइड जैसी घटना होती है। सबमरीन लैंडस्लाइड इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे समुद्र में भूकंप आता है, यानी इससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। आज से 6,000 साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी जब नॉर्वेगियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में 300 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे उत्पत्ति हुई थी 20 मीटर जितने ऊंचे सुनामी की। अब ऐसा ही कुछ पृथ्वी पर वापस से हो सकता है क्योंकि वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट्स पिघल रही है, जिससे नॉर्थ सी का वाटर लेवल राइज हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो स्कॉटलैंड और नॉर्वे के 30,00,000 लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। नंबर 2, आपने इरीन, कैटरीना, विल्मा और सैंडी हरिकेन्स का नाम तो सुना ही होगा। ये सभी हाल ही में आए ऐसे तूफान थे जिन्होंने अरबों खरबों रुपयों की बर्बादी की और लाखों आम लोगों की जान ली। आपने एक चीज नोटिस किया है, इरीन और कैटरीना जैसे तूफान पहले काफी रेयरली आते थे, मतलब कई सालों में एक बार, पर अब आखिर ये हर साल क्यों आते हैं?
इसके पीछे का कारण है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे समुद्री तट पर शहर बन रहे हैं, ऐसे तूफान के आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और अगर इसी तरह से हम इंसान क्लाइमेट में बदलाव की वजह बनते रहें तो ऐसा अगला तूफान कब आएगा ये कोई नहीं जानता। सुनामी और ज्वालामुखी इरप्शन ये सभी अपनी जगह है, ये सभी इवेंट्स काफी रेयर है, पर जिस तरह तूफानों की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हुई है ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, न सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि लोगों की जिंदगी के लिए भी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो, डिसलाइक करना अगर वीडियो में कुछ अलग देखना चाहते हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन याद से कर लेना। नंबर 1, इस सेंचुरी के एंड तक पृथ्वी पर एक और भयंकर अर्थक्वेक आएगा। ये अर्थक्वेक चिली देश के कोक्यूम्बो रीजन में आएगा। वैज्ञानिकों ने कोक्यूम्बो रीजन में, जो कि सेंट्रल चिली में है, वहां सिस्मिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी को नोटिस किया है। सिस्मिसिटी किसी भी एरिया में आए अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। किसी रीजन में अगर ज्यादा भूकंप आ रहा हो तो वहां की सिस्मिसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रीजन जहां की कम भूकंप आता है।